थोड़ा वो इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। मैं आज आपको सर्कल्स बताता हूँ, सर्कल चैप्टर। आप लोग समझ लो सर्कल है क्या। आप लोगों ने सर्कल्स के बारे में आपको बिल्कुल बेसिक्स पता है कि सर्कल एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है, ये सेंटर पॉइंट होता है जो बिल्कुल सेंटर में आता है, ये रेडियस है आपकी। रेडियस क्या है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब सर्कमफेरेंस से सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस। डायमीटर होता है जो सेंटर से पास होने वाले लॉन्गेस्ट साइड, जिसमें दो रेडियस आते हैं, डायमीटर इक्वल टू 2r। सर्कमफेरेंस होता है बाउंड्री ऑफ ए सर्कल, ये पूरी बाउंड्री को सर्कमफेरेंस जो कि 2πr, ये इसकी बाउंड्री आ गई। हाँ, अब सर्कल की जो पार्ट्स हैं, इसमें आपने सीखा था कि ये सर्कल जो है, अगर इसकी कोई भी एक पार्ट ले लें जिसको कहते हैं आर, ए बी, आर का मतलब पार्ट ऑफ ए सर्कल। अगर ये पार्ट ऑफ ए सर्कल को सेंटर से ज्वाइन करोगे तो ये जो इनिशियल पार्ट है सर्कल का, इसको क्या कहते हैं? सेक्टर, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। यानी दो रेडियस और एक आर्क, ये सेक्टर और दूसरा सेक्टर। देखो अगर आप यहां से देखो, ये पूरा आर्क आ रहा है और ये दो रेडियस और ये आपका दूसरा सेक्टर आ गया। इसको कहते हैं मेजर सेक्टर, बड़ा वाला ये मेजर सेक्टर है आपका, और ये वाला पार्ट है ये माइनर सेक्टर, छोटा सेक्टर। और अगर सर्कल में डायमीटर बना दोगे तो ये सेमी सेक्टर होगा, आधा आधा सेक्टर होगा, सेमी सेक्टर। सेक्टर का मतलब बिल्कुल क्लियर रखना, कभी भी आपको मैं सेक्टर की बात कर रहा हूं तो आपको क्या ध्यान रखने का। देखो मैं ये रफ कर देता हूँ, फिर से समझा देता हूँ सेक्टर क्या होता है, क्योंकि सेक्टर आपका नेक्स्ट चैप्टर जो 12th चैप्टर, उसमें सेक्टर की बहुत एप्लीकेशन है। देखो सेक्टर क्या होता है, फिर से समझ लो। सेक्टर है कि सेंटर पॉइंट से आप कभी भी रेडियस बना रहे हो और ये आर्क, इसके बीच में जितना भी सर्कल का पार्ट आ रहा है दैट इज सेक्टर। ये एक सेक्टर है, आप कोई और सेक्टर भी बना सकते हो, रेडियस और आर्क बना दो, ये दूसरा सेक्टर आ गया। ऐसे इनफाइनाइट सेक्टर आप बना सकते हो, ये सेक्टर। अगर सेक्टर की लेंथ, जैसे ये एक सेक्टर है, ये छोटा सेक्टर है तो ये आपका बड़ा सेक्टर है। तो बड़े सेक्टर को कहते हैं मेजर, मेजर का मतलब है बड़ा है और माइनर का मतलब है छोटा है। तो छोटा सेक्टर और बड़ा सेक्टर दो सेक्टर के पार्ट्स होते हैं, ये आपका मेजर सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर। हाँ, अगर सर्कल में आप डायमीटर बना देते हो, डायमीटर मतलब जो सेंटर से, तो दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सेमी सेक्टर, यानी इक्वल पार्ट्स में दोनों डिवाइड हो गए। तो ये है सेक्टर का पार्ट। अच्छा, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लास्ट ईयर भी मैंने पूछा था आपको, सर इस सर्कल को किसमें दो डिवाइड में डिवाइड करता है उसे सेमी सर्कल कहते हैं। हाँ, डायमीटर क्या करता है, दो इक्वल पार्ट करता है, इसलिए इसको सेमी, सेमी का मतलब हाफ ऑफ, आधा सर्कल आधा सर्कल, तो सेमी सेक्टर होते, सेक्टर दो पार्ट में आपके डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अच्छा, आप देखो इसमें आपने लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था, आप बता सकते हो कि सर्कल जो होता है वो प्लेन सरफेस होता है या कर्व सरफेस होता है? उसका जो प्लेन प्लेन होता है या कर्व प्लेन सरफेस? देखो उसका जो सर्कल का अंदर वाला पार्ट है वो पूरा प्लेन सरफेस है। अच्छा, ये सर्कल एक प्लेन सरफेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? एक सर्कल किसी भी सरफेस को कितने पार्ट्स में करता है? तीन पार्ट्स के नाम बताओगे वीरेंद्र? जो तीन पार्ट्स बना रहा है सर्कल, हमेशा प्लेन को तीन पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। अब बता सकते हो कौन से तीन पार्ट हैं? वंस आप बताओ, सर्कल प्लेन को तीन पार्ट्स में कर रहा है, वंस आपको मालूम है कौन से तीन पार्ट्स हैं? उनके नाम है, स्पेशल नाम है। रोजी आप बताओ बेटा। नहीं पता, कोई बात नहीं। जीत आपको मालूम बेटा कौन से तीन पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं? रेनी आप बताओ। सर एक्सटीरियर इंटीरियर ऑन द बाउंड्री। वेरी गुड, वेल डन।
देखो बाहर वाला पार्ट है वो एक्सटीरियर, तो वो सर्कल एक्सटीरियर पार्ट बना रहा है, जो अंदर है वो इंटीरियर है, सर इनसाइड आउटसाइड, और जो ऑन द सर्कल है वो सर्कल पार्ट है, उसको सर्कल का पार्ट कहते हैं। तो इसके तीन पार्ट है, सर्कल का पार्ट, प्लेन सरफेस और कर्व्ड सरफेस। क्या होता है आपने देखा वो प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस का मतलब क्या है? आप जो फुटबॉल होते हैं, फुटबॉल का जो सरफेस होता है कर्व होता है, रोटेट। जैसे ये देखो, ये प्लेन, ये आपका कर्व है, ये अलग, और इसका जो बॉटम है ये अलग, जो ये आपका जो क्या, ये जो ये अलग जो पार्ट है वो प्लेन है, लेकिन ये जो पार्ट है ये कर्व है, रोटेट कर्व है। जो आप मार्कर यूज करते हो तो मार्कर का ये जो बीच का पार्ट है जिसको कहते हैं कर्व सरफेस, और ये जो टॉप का होता है और बॉटम का तो प्लेन सरफेस होता है। तो सर्कल का ये वाला पार्ट प्लेन है, लेकिन फुटबॉल में यही सरफेस आपका कर्व हो जाता है। आप देखते हो फुटबॉल खेलते हो या ट्यूबलाइट यूज करते हो, तो ट्यूबलाइट का जो येलो सरफेस कर्व है, लेकिन साइड वाले सरफेस आपके प्लेन होते हैं। तो ये सर्कल के तीन पार्ट हैं, इंटीरियर, ऑन द सर्कल, एक्सटीरियर। हाँ, अब हम लोग ये चैप्टर में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट, चलो पहले तो हम ओल्ड कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। आपका जो सर्कल है, अभी आपने सेक्टर तो समझ लिया, ये आपका कोड आ रहा है। कोड का मतलब होता है CHORD, कोड। कोड क्या करता है? सर्कल के तीन पार्ट कर रहा है, एक ऊपर सर्कल का ये याला पार्ट बना रहा है, एक याला, और एक खुद इस पर आ रहा है। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं, सर्कल के इस पार्ट को कहते हैं स्टेटमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है सर, ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट। इसके सर्कल के दो पार्ट है, जो बड़ा है वो मेजर है, जो छोटा है वो माइनर है। लेकिन अगर यही डायमीटर से कट हो जाएगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों सेमी सेमी सेगमेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये डायमीटर ना हो के कहीं से कटेगा तो दो पार्ट में माइनर और मेजर होगा, माइनर और नीचे का पार्ट पूरा मेजर। तो याद रखना ये सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट या सेक्टर, ये सेगमेंट बेटा, कोड आ रहा है और आर्क आ रहा है तो सेगमेंट, और ये मेजर सेगमेंट। लेकिन अगर इसी की जगह अगर ये रेडियस और सर्कल के बीच में है आर्क की, तो ये सेक्टर हो जाता है। सेक्टर सेगमेंट, सेमी सेगमेंट और सेमी सेक्टर की तो वैल्यू सेम ही होगी ना। अगर डायमीटर है तो वही पार्ट आपका सेगमेंट भी है और सेक्टर भी है, क्योंकि डायमीटर में दो रेडियस आ रहे, और दूसरे में से नहीं है तो ये कोण भी है। कोण होने से ये आपका सेगमेंट हो गया, और डायमीटर होने से ये सेक्टर हो गया। इसके लिए हम इसको सेमी सेक्टर भी कह सकते हैं, सेमी सेगमेंट भी कह सकते हैं। चलो ये तो ठीक है। अच्छा, मेरा जो पार्ट यहाँ जो हम लोग नया सीखने वाले हैं, वो क्या सीखने वाले वो देख लेते हैं। वो है आपका टेंजेंट। आप लोगों ने सुना है टेंजेंट, आपने ज्यादातर फिजिक्स में यूज करते हो। टेंजेंट होता क्या है? टेंजेंट क्या होता है बच्चे? ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है ना। टेंजेंट का क्या है? एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक का वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है? टेंजेंट का मतलब टच। टच सर ये तो हम ट्रिग्नोमेट्री में, हाँ टेंजेंट वो ट्रिग्नो, टेंजेंट थीटा अलग और टेन थीटा, यहाँ टेंजेंट वो भी वही है। टेंजेंट का अगर टच, कोई भी सरफेस को टच, जैसे आप देखो अगर आप साइकिल चला रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, साइकिल जब चला रहे हो आप, तो ये जो व्हील है वो व्हील क्या कर रहा है? रोड को टच करते हुए जा रहा है। देखो एक एक पॉइंट पर टच कर, आगे बढ़ेगा तो दूसरा पॉइंट टच हो, तो ये जो रोड है वो इसका टेंजेंट है। रोड टेंजेंट होता है। टेंजेंट क्या होता है? वो सरफेस जो उसको टच कर रहा है। आप लोग फिजिक्स में ज्यादातर टेंजेंट यूज करते हो। टेंजेंट आप लोग देखना सर, आपने फिजिक्स में कहां टेंजेंट यूज होता है चेक करना। टेंजेंट हमेशा डायरेक्शन बताते हैं। जैसे ये व्हील है, अगर आपको मान लो आप ऊंचाई पर चल रहे हो तो व्हील आपका डायरेक्शन ऊपर की ओर बताएगा, तो ये आपका टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है? जो उसकी डायरेक्शन बता रहा है। ये देखो ये फिजिक्स में डायरेक्शन बताता है, मैथ्स में ये क्या बता रहा है? उसको टच करने वाली लाइन से। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये सर्कल है तो इस पॉइंट पर कितने टेंजेंट, एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट बना सकते हो? एक, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होगा। यहां से बना एक टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट ये रहा,
तीसरा टेंजेंट ले रहा, लेकिन एक पॉइंट पर एक टेंजेंट। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि सर्कल पर अगर मेरे को टेंजेंट बनाने हो अलग अलग पॉइंट पर, तो मैं कितने टेंजेंट बना सकता हूँ? इनफाइनाइट। देखो यहाँ भी एक टेंजेंट, क्योंकि हर सर्कल पे एक अलग अलग वो होगा ना टेंजेंट, अलग अलग टेंजेंट होगा, हर पॉइंट पर टेंजेंट बदल जाएगा। इनफाइनाइट टेंजेंट सर्कल को बना सकते हो। लेकिन दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से समझना कि अगर एक पॉइंट पर बोलो तो एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट बना सकते हो? एक ही, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट। लेकिन एक से ज्यादा पॉइंट हुए मतलब अलग अलग पॉइंट है तो अलग अलग टेंजेंट। ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहे, जैसे आप देखो ये आपका सर्कल इस डायरेक्शन में तो टेंजेंट इधर आना है, ये डायरेक्शन है तो ये टेंजेंट, ये टेंजेंट अलग अलग डायरेक्शन बता रहा है, तो हर पॉइंट पर अलग अलग टेंजेंट्स आ रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट आ रहा है। तो टेंजेंट का मतलब टच कर रहा है, जो भी लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो यहां से कहने का मतलब हम दूसरे तरीके से देखें तो ये सर्कल है और ये लाइन टेंजेंट है, और ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जिस पॉइंट पर सर्कल और लाइन टच कर रहे उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जिस पॉइंट पर वो दोनों मीट कर रहे, वो पॉइंट आपका सिंगल होगा। अगर आप यहाँ टेंजेंट बना रहे हो तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया, और ये टेंजेंट और ये सर्कल हो गया, तो दोनों के बीच में एक ही पॉइंट कॉमन रहेगा हमेशा। तभी आपके जो साइकिल होते हैं, आप लोग सोचते हो कि साइकिल, हम लोग साइकिल से स्पीड से क्यों जा रहे हैं? अगर साइकिल सर्कुलर नहीं होती, ये साइकिल अगर इस शेप में होती तो हम मूव ही नहीं कर पाते, क्योंकि टेंजेंट एक पॉइंट पर बहुत सारे पॉइंट पर टेंजेंट आ रहा है, तो वो क्या इसको रोक देगा, आगे बढ़ने ही नहीं देगा। लेकिन टेंजेंट एक ही पॉइंट होगा तो स्पीड से आगे निकल जाएगा। तो एक ही पॉइंट जब ये सर्कल पर टेंजेंट होता है तो वो एक ही पॉइंट पर टच करेगा, इससे वो स्पीड से आगे निकल जाता है। अगर एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होंगे तो आगे मूव ही नहीं कर पाए। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट समझ में आया, टेंजेंट समझ में आया। अब क्वेश्चन है, अगर मान लो टेंजेंट नहीं है तो सर वो पॉइंट वाला नहीं आया, पॉइंट का नाम क्या? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट किस पॉइंट पर? सर एक बार बता दो ना, फिर से बता देते हैं, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन ये है कि आपको फिर से समझना, ये सर्कल दिया है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हुआ और ये टेंजेंट हो गया, ये इसको जहां ये दोनों मीट कर रहे हैं, तो मीट कर रहे तो आपको ये कॉन्टेक्ट हो रहा है, लेकिन जहां मीट कर वो पॉइंट हो गया, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन से पॉइंट पर दोनों मीट कर रहे हैं? टेंजेंट और कॉन्टेक्ट तो एक ही हुआ ना, फिर तो दोनों टेंजेंट मतलब ये पॉइंट और टेंजेंट, ये पूरी लाइन को टेंजेंट कहते हैं। लाइन तो बहुत बड़ी होती है और पॉइंट तो एक ही होता है, तो जो पॉइंट वो एक है लेकिन जो लाइन है वो टेंजेंट है। अगर मैं बोलूं कि आप साइकिलिंग कर रहे हो तो आपका टेंजेंट रोड है, आपकी रोड है ना जिस पर वो साइकिलिंग हो रही है। ये बच्चों समझ में आया टेंजेंट के बाद, मतलब टेंजेंट समझ आया बच्चों? सर डेफिनेशन क्या बोलेंगे उसको? टेंजेंट का मतलब होता है, टेंजेंट इज ए लाइन व्हिच टच द सर्कल एट ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देयर आर इनफाइनाइट टेंजेंट ऑन ए सर्कल एंड देयर इज ओनली सिंगल टेंजेंट एट ए सिंगल पॉइंट, and tangent always shows the direction of the wheel, direction of the circular part. तो भी circle की अगर आपको direction पता करनी है तो आप आराम से tangent की direction देखो, ये tangent की direction है तो circle इस direction में। Hello. आगे और पीछे दिखती है ना? Hello बेटा बोलो, क्या पूछ रहे हो? वो direction आगे पीछे दोनों हो सकती है ना? हाँ, यहाँ ये देखो डायरेक्शन ये है, अगर इधर मूव कर तो ये डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ये अपोजिट हो गए, इधर हो गया या इधर हो गया, ये तो बेटा फिजिक्स में काम है, अपने काम का सिर्फ टेंजेंट एक टच करने वाली लाइन, फिजिक्स में इसी चीज को देखिए टेंजेंट को, तो फिजिक्स में डायरेक्शन बता। अभी आपको आपको बाद में सीखोगे कि दो कर्व कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, तो उनकी डायरेक्शन अलग होती है, वो आपके फिजिक्स में काफी टिपिकल क्वेश्चन है। चलो अभी तो आप ये समझो
टेंजेंट क्या, इसी का टेंजेंट का दूसरा पार्ट नाम दिया है। टेंजेंट का जैसे आपने यहां देखा एक सर्कल दिया है, अब इस सर्कल में मैंने पॉइंट यहां रखा तो एक ही टेंजेंट बना, लेकिन अगर मैं ये पॉइंट को बाहर रखू ये पी पॉइंट, तो यहां से मैं कितने टेंजेंट बना सकते हो इस सर्कल के ऊपर बता सकते हो? अगर पॉइंट, सर क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर से सुनो, अगर पॉइंट ऑन द सर्कल है तो एक ही टेंजेंट बनेगा, अगर पॉइंट ऑन द सर्कल ना होकर एक्सटर्नल है तो कितने टेंजेंट आप बना सकते हो? जीरो सर, दो या इनफाइनाइट बेटा, मैक्सिमम दो ही बना सकते हो, एक यहां से टच करते हो जाएगा, एक टेंजेंट यहां से टच करते हो जाएगा, तो यू कैन ड्रॉ ओनली टू टेंजेंट। अगर पॉइंट ऑन द सर्कल नहीं है, आउटसाइड द सर्कल है, तो आप दो टेंजेंट बनाएंगे, अगर पॉइंट ऑन द सर्कल है तो एक ही टेंजेंट। हाँ, एक और क्वेश्चन मेरा सिंपल सा, अगर आउटसाइड सर्कल दो कैसे बनेंगे सर, ये समझ नहीं आया। देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, पी पॉइंट, देखो फिर से समझ लो, चलो दिख नहीं रहा अच्छे से, फिर से समझ लो, ये सर्कल है, एक्सटर्नल मतलब पॉइंट ऑन द सर्कल पर नहीं है, तो आपने इस पी पॉइंट से टेंजेंट बनाया, टेंजेंट की ऐसी लाइन जो इसको टच करते जाए, एक आप यहां बना सकते हो एक यहां, तो दो पॉइंट पर आप दो टेंजेंट्स बना सकते हो। मेरी बात समझ में आई सर? हां बोलो बेटा। यस सर। सर जहां से ये दो लाइन प्रोड्यूस हो रही है वो पॉइंट का कोई नाम है? हाँ, ये जो पॉइंट है इसका नाम है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये दो, हाँ ये तो है, ये दो लाइन जस्ट प्रोड्यूस है, ये तो बेटा पॉइंट है जहां से आप टेंजेंट बना रहे हो, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो बेटा ये दो है जहां ये सर्कल और लाइन मीट कर। अच्छा मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा कि अगर सर्कल के अंदर पॉइंट हुआ तो आप कितने टेंजेंट बना सकते हो? सोच के बताना, सोच समझ के। अगर आउटसाइड द सर्कल है तो आपको पता है दो टेंजेंट बना दिए, ऑन द सर्कल है तो एक ही टेंजेंट, लेकिन अंदर है तो कितने टेंजेंट बने? तीन। नहीं बेटा एक भी नहीं बनेगा, क्योंकि इस टेंजेंट को मतलब टच करना, ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है, दो पॉइंट को मीट कर रहा है, तो ये टेंजेंट नहीं होगा। जब कोई भी पॉइंट अगर अंदर है तो आप वो टेंजेंट बना ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो जैसे आप फैलाओगे, एक्सपांड करोगे, एक्सटेंड करोगे, तो ये दो पॉइंट है जहां पर ये सर्कल को मीट करेगा, और टेंजेंट से भी एक ही पॉइंट पर मीट करता है, लेकिन ये तो मीट, ये आपका क्या मीट इंटरसेक्ट करेगा, तो ऐसी लाइन को टेंजेंट नहीं कहते, नॉट टेंजेंट। अगर टेंजेंट नहीं तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? सीकेंट। तो जो लाइन टेंजेंट नहीं है वो सीकेंट है, जो सर्कल को काटते हुए जा रहे हैं, टेंजेंट टच करते हुए जाता है, सीकेंट काटते हुए चली जाती है, तो सीकेंट हमेशा दो पॉइंट में मीट करती है सर्कल को, और टेंजेंट हमेशा एक पॉइंट पर मीट करती। मेरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अगर ये दो पॉइंट हुए, सीकेंट क्या, सीकेंट का मतलब वो होता है वो लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर काटते हुए जाए, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, और टेंजेंट क्या है, टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पर टच करते हुए जाते हैं, टेंजेंट एक पॉइंट, सीकेंट दो पॉइंट। सीकेंट का मतलब समझ में आया बच्चों? पहले ये बता दो आप लोग, हेलो सर, सीकेंट वापस समझा रहा हूं एक बार, सीकेंट का मतलब बेटा फिर से समझो, सीकेंट, सीकेंट का मतलब जो टेंजेंट नहीं है, वो लाइन जो सर्कल को टच नहीं कर रही, कट कर रही, तो देखो ये टच ना करके दो पॉइंट पर इसको काटते हुए जा रही है, इसको देखो एक पार्ट इधर चला गया, एक पार्ट इधर, दो दो हिस्से हो गए, तो जो लाइन इसको कट कर रही है दैट इज सीकेंट, जो टच कर रही है वो टेंजेंट। मेरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया सर? ये सेगमेंट में भी तो यही होता है, सेगमेंट तो क्या होता है, सेगमेंट मतलब को सेगमेंट कहते हैं, उसमें कोड आता है, उसमें सीकेंट नहीं आती है, उसमें कोड आता है, ये सिर्फ कोड आ रहा है, ये कोड आ रहा है, ये सीकेंट, ये सेगमेंट आ रहा है, लेकिन अगर ये सीकेंट है तो ये काटते हुए बाहर की साइड निकल जाएंगे, ये लाइन होती है, सीकेंट लाइन होती है, और कोड एक लाइन सेगमेंट होता है जो सिर्फ टच मतलब मीट इंटर मतलब दो पॉइंट पर ज्वाइन कर रहा है, वो कोड है आपका, वो सीकेंट है। बच्चों आपको सीकेंट और कोड के बारे में डिफरेंस आया है समझ में? हेलो, अच्छा बच्चों एक मेरे को और बोलना है आप लोगों को, क्योंकि बच्चों देखो ऐसे तो आप लोग तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो
तो मैं सोच रहा हूँ पीछे चैप्टर का भी मैं रिवीजन कराता रहूं, टेस्ट लेता रहूं। अभी तक मैंने 6 चैप्टर का आपको बिल्कुल ही नहीं पूछा कुछ भी। मैं चाह रहा था 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4 शायद आउट ऑफ कोर से मालूम नहीं, 6.1, 2, 3 ये तीन एक्सरसाइज आप तैयार रखो टेक्स्ट बुक से, मैं एक हल्का सा रिविजन टेस्ट ले लेता ट्यूजडे को। हर ट्यूजडे को आप लोग एक टेस्ट का रेडी रखना, जस्ट टेक्स्ट बुक रिवाइज कराना मेरे को। मेरा टारगेट टेक्स्ट बुक को बार बार रिवाइज, क्योंकि लास्ट टाइम 99% क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से आए, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा जिसका मैथ्स में कम मार्क्स आ रहे हैं उसके मैथ्स बोर्ड एग्जाम में भी कम आए, भले स्कूल में कम आ रहा है ओके, तो बोर्ड में उसको अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसलिए आपको टेक्स्ट बुक का मैं रेगुलर टेस्ट लेता रहूँगा। हर ट्यूजडे को आप लोग एक छोटा सा टेस्ट देते रहो। क्या कह रहे हो बच्चों, 6.1, 2, 3 कर लोगे कि नहीं करोगे? डाउट भी पहले सॉल्व करवा देना। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में कहां से डाउट आ गया? टेक्स्ट बुक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, वो तो आपको रट्टा मारना है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल देख लेना, जस्ट एक रिविजन चलता रहे कि कभी भी बोर्ड एग्जाम हो तो आपके टेक्स्ट बुक एकदम हाथ में होनी चाहिए। मेरा क्या पर्पस है, मैं सेफ्टी हैंड भी लेना चाहता हूँ कि हर बच्चों के स्कोर भी आए और आप नॉलेज भी लेते रहो। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपके स्कोर भी अच्छे हो वो भी प्लानिंग करना है। इसलिए आप टेक्स्ट बुक से रेगुलर टेस्ट देते रहना ट्यूजडे को। एवरी ट्यूजडे आप समझ लो कि आपका 20 मिनट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एक इन्वेस्टमेंट में, एक बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हो। उस बैंक में आपका धीमे 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 फाइनल आपकी जो एफडी बनेगी बोर्ड एग्जाम की, एक अच्छे सर्टिफिकेट वाली बोर्ड एफडी मिलेगी आपको। सर ये ट्यूजडे को 6.1, 6.2, 6.3 टेक्स्ट बुक चाहिए ना? ओनली टेक्स्ट बुक आपको थोरो करना, मेरे को टेक्स्ट बुक रिवीजन आप सर मेरे उसमें हो सकते हैं डाउट, उससे पहले कोई एक डाउट सेशन रख देना। नहीं बेटा डाउट आप टेक्स्ट बुक में कोई भी तो आप मेरे को और फोन से ऐसे पूछ लो, लेकिन टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन तो मैं आपको रेगुलर करा ही रहा हूं, तो आप मेरे से पूछ सकते हो ऐसे। अब टेस्ट के समय मैं कुछ नहीं, टेक्स्ट जस्ट रिवीजन है आपका, एक बार बुक को आप देखते हो, टेक्स्ट बुक रिवाइज करते हो। चलो बच्चों ये आगे समझ आते हैं। सिर्फ टेक्स्ट बुक ही सारे के फुल्ली टेस्ट यानी? हां बेटा मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई भी सीकेंट को अगर टेंजेंट बनाना है तो कौन सी कंडीशन पर कोई भी सीकेंट टेंजेंट बन सकता है? कोई भी सीकेंट को अगर टेंजेंट बनाना हो तो कौन सी ऐसी कंडीशन है कि सीकेंट आपका टेंजेंट बन जाएगा? थोड़ा आइडिया लगा लीजिए। हाँ सर एक आइडिया सर, वो दूसरा सर्कल नीचे लगा देने का सर। नहीं नहीं थोड़ा लॉजिक लगाओ बेटा, आप बिल्कुल लॉजिक नहीं लगाओगे तो कैसे सोचोगे? सर उसका डिस्टेंस जो सेंटर से है हाँ, वो रेडियस तक हो जाए तो वो हो सकता है। नहीं बेटा ये एक्चुअली क्या कि आगे के भी देखो मैं बता दूं, ये जो दो पॉइंट है आपके सीकेंट क्यों है, क्योंकि ये दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपका जीरो से ज्यादा है, जीरो से ज्यादा है। ये जो डिस्टेंस है अगर ये जीरो से ज्यादा हुआ तो वो सीकेंट रहेगा, अगर ये डिस्टेंस जीरो हो जाए यानी पी और क्यू के बीच में जो गैप है वो अगर फिलअप हो जाए, जीरो हो जाए यानी जीरो का मतलब है पी और क्यू एक ही पॉइंट हो जाए तो ये टेंजेंट बन जाएगा। यानी आपका जो पी और क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाना चाहिए, जीरो हुआ यानी वो टेंजेंट बन गया, जीरो नहीं हुआ तो वो सीकेंट रहेगा। मेरा पॉइंट समझ में आया बच्चों की नहीं आया?